गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। माय नेम इज रितु, वेलकम टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने लेसन नंबर 3 कंप्लीट कर लिया था। इस वीडियो में हम शुरू करेंगे लेसन नंबर 4, दैट इज एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ क्लास 9th। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए बेटा, अभी तक हमने जितने भी चीजें पढ़ी थी, हमने क्या देखा था कि जो आपका मैटर है वो स्मॉल स्मॉल टाइनी टाइनी पार्टिकल्स से मिलके बना हुआ है। ठीक है, और ये टाइनी टाइनी पार्टिकल्स हैं, इनको फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स भी बोला जाता था। ठीक है, स्टार्टिंग में जॉन डॉल्टन सर आए थे, उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए, उसके ऑब्जर्वेशन उसके बेसिस पे उन्होंने कुछ अपनी सर्टेन एटॉमिक थ्योरी थी जो प्रपोज करी थी। ठीक है, लेकिन फिर धीरे धीरे जो पार्टिकल ऑफ मैटर है और उसके ऊपर जो अलग अलग प्रिंसिपल हैं, सारे अलग अलग साइंटिस्ट आए। ठीक है, तो उन्होंने अपने अपने थ्योरीज दी, लेकिन उससे पहले देखिए बेटा, जब डॉल्टन ने अपनी एटॉमिक थ्योरी दी थी, उस टाइम तक सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थी। तो डॉल्टन सर ने क्या माना था कि जो एटम्स है वो इंडिविजिबल है। फिर बाद में जैसे ही फंडामेंटल पार्टिकल्स की डिस्कवरी हुई तो हमें पता चला कि जो आपका एटम है वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन से मिलके बना हुआ है। फिर उसके बाद इनकी अरेंजमेंट किस तरीके से है किसी भी पर्टिकुलर एटम में, उसके लिए जेजे थॉम्सन हुए, रदरफोर्ड हुए, नील्स बोर हुए। ठीक है, ये इन्होंने अपने अलग अलग क्या दिए, एक मॉडल दिए कि एटम में पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज इस तरीके से अरेंज्ड होंगे। समझ में आया? जब तक रदरफोर्ड सर ने अपना अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के थ्रू एटम में एक एटॉमिक मॉडल दिया था, तब तक हमारे न्यूट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी। बाद में जेम्स चैडविक सर ने बताया कि न्यूट्रॉन भी होता है, और फिर लास्ट में आया आपका नील्स बोर, और बाद में और भी एटॉमिक थ्योरीज आई थी। चलिए बात करते हैं वन बाय वन की, वन बाय वन करके इन सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स की, इन फंडामेंटल पार्टिकल्स की डिस्कवरी कैसे हुई। ठीक है, और किस तरीके से वो अरेंज होते हैं। सो लेट्स गो। फर्स्ट आ रहा है डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल। सबसे पहले आ रहा है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे की गई। देखिए, ये सबसे पहले विलियम क्रूक्स साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले डिस्चार्ज ट्यूब को यूज करना स्टार्ट किया था। इन्होंने इसी को क्रूक्स डिस्चार्ज ट्यूब और कैथोड रे ट्यूब नाम दिया था। ये होती क्या है, ये देखिए, इस तरीके से लॉन्ग आपके ग्लास की कोई एक ट्यूब होती है, इसमें आपके 2 इलेक्ट्रोड्स लगे रहते हैं, कैथोड एंड एनोड। ठीक है, एक एग्जॉस्ट पंप के थ्रू, सेक्शन पंप के थ्रू अंदर की जो गैस है उसको सक आउट कर लिया जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे अंदर लो प्रेशर जनरेट किया जा सके। ठीक है, और इसी इन इलेक्ट्रोड्स को हम क्या करते हैं, एक हाई वोल्टेज सोर्स से अटैच कर देते हैं। तो ये होता है आपका सिस्टम। ठीक, अब देखिए, इसी डिस्चार्ज ट्यूब को जेजे थॉम्सन सर ने स्लाइटली मॉडिफाई किया, और मॉडिफाई करके इनके बीच में एक होलो, ये देख रहे हैं, ये परफोरेटेड एनोड लगा दिया। परफोरेटेड एनोड लगाने के बाद इन्होंने इस डिस्चार्ज ट्यूब को, इस कैथोड रे ट्यूब को थोड़ा सा मॉडिफाई किया, और पीछे इसको इस तरीके से लिया, और यहां पर आपका फ्लोरेसेंट मटीरियल रख दिया। इसको रखने की जरूरत क्या थी, देखिए, कैथोड रे ट्यूब से ये तो पता चल गया था कि कुछ आपके पार्टिकल्स हैं जो इधर से उधर मूव कर रहे हैं। ठीक है, कैथोड रे इससे पता तो चल ही गया था। तो जेजे थॉम्सन सर ने क्या किया, ये जो गैस ये जो रेज निकल रही हैं, इनके बारे में और ज्यादा स्टडी करने के लिए परफोरेटेड एनोड को लिया। एनोड मतलब पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक है, तो जब इन्होंने देखा कि कैथोड से कुछ चार्जेस हैं या कुछ पार्टिकल्स हैं जो कैथोड से एनोड की तरफ निकल रहे हैं, और क्योंकि ये हॉलो थी तो ये पार्टिकल सीधा इससे निकलते हुए सामने जो फ्लोरेसेंट स्क्रीन है उसके ऊपर स्पॉटिंग करते हैं। फ्लोरेसेंट स्क्रीन से आप क्या समझ रहे हो, देखिए बेटा, जैसे एक्सरेज होती हैं, एक्सरे जब आपने, मान लीजिए आपके कभी फ्रैक्चर आया हो या आपने किसी का देखा हो, तो एक्सरे जो रहता है उसमें क्या देखते हो आप, जहां जहां बोन रहती है वहां वहां वाला एरिया तो रहता है वाइट, बाकी पूरा एरिया हो जाता है ब्लैक। जहां जहां उस शीट पे, उस ओएचपी शीट पे एक्स रेज पड़ती हैं, वो पूरा का पूरा एरिया ब्लैक हो जाता है। इसी तरीके से आपका फ्लोरेसेंट मटेरियल होता है, जैसे जिंक सल्फाइड है, इसका एग्जांपल है, जहां जहां इसके ऊपर ये रेज पड़ेंगी वहां पे फ्लोरेसेंट आएगी, चमक आएगी, एक ब्राइट स्पॉट मिलेंगे।
समझ में आया। तो जे.जे. थॉमसन ने इसी तरह से ट्यूब लिया था और इन्होंने इसके बेसिस पे जो ये रेज निकल रही हैं इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताया था। ठीक है, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने फिर अलग अलग टाइप के एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करे इसी डिस्चार्ज ट्यूब में। डिस्चार्ज ट्यूब में सबसे पहले उन्होंने बहुत छोटा सा एक मेटल का ऑब्जेक्ट रख दिया। जैसे इन्होंने मेटल का ऑब्जेक्ट रखा तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आपको शैडो मिली, मतलब चमक सिर्फ उतनी ही मिली, सिर्फ शैडो मिली। शैडो मिलने से ये पता चला बेटा कि ये जो रेज निकल रही हैं, जो कैथोड से निकल रही हैं रेज, ये हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती हैं। पहली बात समझ में आई। दूसरा, इन्होंने क्या किया, छोटा से पैडल व्हील रखे। पैडल व्हील रखने के बाद जैसे ही यहाँ से कैथोड रेज निकली, ये पैडल व्हील जो थे बेटा वो मूव करने लगे। जैसे ही ये मूव करने लगे, इससे हमें उन्हें पता क्या चला कि ये जो कैथोड रेज हैं ये स्मॉल स्मॉल पार्टिकल से मिलके बनी हुई हैं, उनके पास हैवी मास है और साथ ही साथ उनकी काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है बेटा, एक चीज़ बताइए, अगर कोई रुकी हुई चीज़ है आप उसको एक पर्टिकुलर मास से हिट करोगे तभी तो वो मूव करेगी, अदरवाइज वो मूव कैसे करेगी। तो इससे इन्हें ये पता चला कि जो आपके स्मॉल पार्टिकल्स हैं, जो ये आपके रेज हैं, ये आपके हैवी मास और इनके पास अच्छे खासे काइनेटिक एनर्जी है। समझ में आया। फिर इन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड में देखा, तो क्यों इलेक्ट्रिक फील्ड में, जब उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो देखा कि ये जो ट्यूब, ये जो रे आ रही थी, ये पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ बेंड हो गई। बेंड होने से पता क्या चला कि क्योंकि इनके पास नेगेटिव चार्ज है तभी तो ये पॉजिटिव की तरफ टर्मिनल होंगे, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ बेंड होंगे। तो इससे ये क्या पता चला कि ये जो रे निकल रही है ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल से मिलके बनी हुई है। सेम इन्होंने अब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया। जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया तो इससे क्या पता चला कि ये मैग्नेटिक फील्ड में इनका जो पाथ है वो डिफ्लेक्ट होता है। बात समझ में आई। तो कहने का मतलब क्या है और हाँ, इन्होंने एक चीज और करी थी कि इस डिस्चार्ज ट्यूब में अलग अलग गैसेस को लेके सेम एक्सपेरिमेंट फॉलो दोहराए थे। जब इन्होंने दोहराए तो उन्हें ये पता चला कि जो इसके अंदर गैस है वो चाहे आप कोई भी रखो, इससे इनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हम आगे देखेंगे जो आपकी कैनाल रेज हैं, यहाँ तो कैथोड रेज की बात कर रहे हैं, लेकिन जो कैनाल रेज हैं बेटा, अगर यहाँ अंदर गैसेस चेंज कर दें तो ये कैनाल रेज चेंज हो जाती हैं। बात समझ में आई। तो यहाँ क्या देखा इन्होंने कि अंदर गैस फिल कर दें तो कोई भी आपकी जो ये रेज निकल रही है उनमें कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलता। ठीक है, और एक चीज और कि इस डिस्चार्ज ट्यूब में जो इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं, इसकी नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड नहीं करे कि उसका नेचर क्या है। ठीक है, उनका जो स्पेसिफिक चार्ज होता है, देखिए स्पेसिफिक चार्ज का मतलब क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है वो अपॉन उसके मास की वैल्यू को ही आप क्या बोलते हो, स्पेसिफिक चार्ज। और ये जो स्पेसिफिक चार्ज होता है ये हमेशा सेम रहता है। बात समझ में आई। आई होप इट इज क्लियर। थोड़ी बहुत इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आपको लगा होगा, बट फिर भी अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन, ताकि मुझे पता चल सके कि कौन सी चीज दोबारा से और अच्छे से एक्सप्लेन करनी है। क्योंकि बेटा आपको पता है मेरे पास ना तो कोई जादू की छड़ी है जिसको मैंने घुमाया और आपको समझ में आ गया, आप बताएंगे नहीं, मुझे पता चलेगा नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी तक तो हमें क्या पता चला कि इन एक्सपेरिमेंट से नेगेटिवली चार्ज के बारे में हमें पता चल गया। अब रॉबर्ट मिल्कन थे बेटा, उन्होंने 1909 में एक और एक्सपेरिमेंट किया जिससे उन्हें इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है इसको फाइंड आउट किया। ठीक है, कैसे किया था, देखिए बेटा कि हमें पता है E अपॉन M की वैल्यू इन्हें यहाँ से मिल रही थी। अगर हमें कहीं से मास पता चल जाए ठीक है, तो E की वैल्यू मिल जाएगी। मान लीजिए हमने इसे मास से मल्टीप्लाई कर दिया तो मास से मास कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या आपके पास, चार्ज। तो कुछ ऐसा ही किया था मिल्कन ने अपने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में। उन्होंने किया क्या, देखिए बेटा इन्होंने इस टाइप का एक अरेंजमेंट लिया। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने ऑटोमाइजर ऑयल ड्रॉपर डाला ड्रॉपलेट्स ड्रॉप करने के लिए। ठीक है,
ऑयल को स्प्रे करना है। यहाँ से माइक्रोस्कोप है, उसको स्टडी कर रहे हैं। और यहाँ पे ये आपकी पॉजिटिव प्लेट और ये आपकी नेगेटिव प्लेट है, और यहाँ से एक्स रेज प्रोड्यूस करी गई हैं जो ऑयल ड्रॉप से हिट कर रही हैं। ठीक है, बात समझ में आई। अब देखो उन्हें पता क्या चला। मैं इस एक्सपेरिमेंट को लाइन बाय लाइन पढ़ूंगी ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। देखिए इन्होंने क्या किया, छोटी छोटी फाइन ड्रॉपलेट्स को स्प्रे किया इस चैम्बर के अंदर, इस ऑटोमाइजर के अंदर। ठीक है, और इससे क्या हुआ बेटा कि जो ये एक्सरेज थी, ये एक्सरेज की वजह से क्या हो गए, आयोनाइज। इसमें जो गैस थी बेटा अंदर, इसमें जो गैस थी बेटा वो क्या हो गई, आयोनाइज हो गई। आयोनाइज होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हुए आयोनाइजेशन की वजह से, वो अटैच हो गए ऑयल ड्रॉप्स के, ऑयल ड्रॉपलेट्स के साथ, जिसकी वजह से जो सफिशियंट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाई एंड विच कैन बैलेंस द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑयल ड्रॉप। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड इसलिए अप्लाई किया गया कि इमेजिन करो ये नीचे की तरफ गिर रहे होंगे, इसे ये नीचे की तरफ ना गिरें, ये वहीं के वहीं स्टेबल रह सके। इसके लिए इन्होंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है यहाँ पे, ताकि ऑयल ड्रॉप यहीं के यहीं रह सकें। बात समझ में आई, इन्होंने किया क्या था। अब इस एक्सपेरिमेंट से उन्हें क्या मिला कि ऑब्जर्व, इन्होंने क्या किया, जो स्मॉलेस्ट चार्ज फाउंड हुआ था उसके ऊपर अप्रॉक्सीमेटली 1.59 × 10⁻¹⁹ कूलम का उन्हें चार्ज मिला। और जो ईच ड्रॉपलेट थी वो आपकी इंटीग्रल मल्टीपल थी इसी वैल्यू के। समझ में आई बात। ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट से उन्हें चार्ज क्या मिला बेटा, 1.59। इस बेसिस पे जो मैंने आपको ये बताया ना, E अपॉन m मल्टीप्लाई बाय m मास, क्योंकि ऑयल ड्रॉप कितनी है, एक ड्रॉपलेट का मास तो निकाल ही लेंगे हम इजीली। ठीक है, मास में कितना ही इंक्रीज हुआ है यहाँ से पता चल जाएगा। तो E अपॉन m इंटू मल्टीप्लाई बाय m किया तो यहाँ से उन्हें चार्ज की वैल्यू मिली। ठीक है, तो इन्होंने क्या बताया, ऑन द बेसिस ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन ही कॉन्क्लूडेड दैट 1.59 × 10⁻¹⁹ कूलम इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज दैट कंसीडर्ड दिस वैल्यू एज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस एक्सपेरिमेंट से उन्हें इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है ये पता चला। डन। अब आती है बेटा डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। हमने अभी तक क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने कैथोड रे ट्यूब के बारे में पढ़ा, फिर उसके बारे में हमने क्या देखा, उसके बाद हमने क्या देखा कि कैथोड रे, जो कैथोड रेज निकल रही हैं उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा, फिर हमने मिल्कन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट पढ़ा, जिसके बाद हमें पता चला कि किसी भी इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है। अब हम बात करेंगे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। देखिए जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं किसी एटम में, उसको प्रिडिक्ट किया था गोल्डस्टीन ने। किस वजह से, कि जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रैलिटी होती है एटम की, मतलब जो आपका एटम होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है। तो गोल्डस्टीन ने बोला कि क्योंकि हमने अभी नेगेटिव चार्ज की बात करी, मतलब इसमें कुछ ना कुछ ऐसा पॉजिटिव चार्ज पक्का होगा। ठीक है, और क्योंकि कैथोड रे एक्सपेरिमेंट हुआ था, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना इसको, जो हमारा कैथोड था अभी तक, हमने उसको अभी तक परफोरेटेड लिया था, है ना, अभी तक हम एनोड को परफोरेटेड ले रहे थे, क्यों ना अब हम कैथोड को परफोरेटेड ले रहे। परफोरेटेड मतलब छेद वाला, जिसमें होल्स हो। ठीक है, जैसे इन्होंने कैथोड रेज की बात करी थी, तो इन्होंने क्या किया, अभी एनोड को ट्रांसफॉर्म कर दिया, और यहां से जो रेज निकली दैट वॉज एनोड रेज, और इन्हीं को उन्होंने नाम दिया कैनाल रेज। बेटा एक चीज याद रखना, देखिए हुआ क्या है अच्छे से समझना, ठीक है, क्योंकि अगर ये आपको समझ में आ गया तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। हमने कैथोड रेज की कंडीशन में देखा था कि इस कैथोड से इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो रहे हैं और वो इस तरफ मूव कर रहे हैं। डन। इसी इन रेज, ये जो रेज निकल रही थी कैथोड से, इन्हीं को नाम दे दिया इन्होंने कैथोड रेज। अब ध्यान दीजिए, ये कैथोड रेज से जो पार्टिकल निकल रहे हैं, इसके अंदर जो गैस है बेटा, ये उसको हिट करेंगे और हिट करके उस गैस को आयोनाइज करेंगे। जैसे ही वो आयोनाइज करेंगे तो इलेक्ट्रॉन तो आगे की तरफ मूव कर जाएंगे एनोड की तरफ, लेकिन जो आयोनाइज पॉजिटिव चार्ज है वो आयोनाइज पॉजिटिव चार्ज मूव करेंगे आपके नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। और जैसे ही नेगेटिव टर्मिनल की तरफ ये आयोनाइज पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल मूव करेंगे, यही जो रेज चलेगी इसी को हम बोलेंगे कैनाल रेज, यही पॉजिटिव रेज है। और ये पीछे की तरफ डिस्चार्ज ट्यूब में कैसा
कैसा फ्लोरिसेंट देती है, रेड कलर का ये ग्लू देती है। बात समझ में आई। इन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल इस डिस्चार्ज ट्यूब में हाइड्रोजन गैस ली थी, ठीक है, फिर उन्होंने अलग अलग गैसेस लेके इस एक्सपेरिमेंट को किया था। बात समझ में आई। देखो इस चीज को यहां पे मैं और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकती हूँ क्योंकि वो पेज थोड़ा सा गड़बड़ था। यहां पे देखिए, समझ में आया, समझ में आया बेटा। यहाँ पे जो गैस थी वो आयोनाइज होगी और इस गैस का जो पॉजिटिव पार्ट है वो इस तरफ आपके एनोड की तरफ, कैथोड की तरफ मूव कर रहा था, ठीक है। क्योंकि ये गैसेस एनोड की तरफ से आ रही थी इसीलिए इस गैस को नाम दिया गया एनोड रेस और कैनाल रेस। आई होप इट इज क्लियर। अब देखिए प्रॉपर्टीज, जैसे हमने कैथोड रेस की प्रॉपर्टी की बात करी थी उसी तरीके से अब हम एनोड रेस की प्रॉपर्टी की बात करेंगे। सेम जैसे कैथोड रे आपकी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं, एनोड रेस भी आपकी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं, ठीक है। एनोड रेस जो रहती हैं उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहता है, ठीक है, और ये एग्जैक्टली सेम जैसे आपकी नेगेटिव रेस डिफ्लेक्ट हो रही थी इलेक्ट्रोड्स अप्लाई करने पे, ठीक है, इसी तरीके से आपकी एनोड रेज भी डिफ्लेक्ट होंगी, ठीक है। जैसे एनोड रे हैं वो नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करेंगे। मैंने आपको बताया ना कि ये रेज जो हैं, ये एनोड रेज किसकी वजह से हैं, इसके अंदर जो गैस फिल्ड है उसके आयोनाइजेशन की वजह से। तो अगर यहाँ पे गैस चेंज कर दी तो ये जो पॉजिटिव रेज चल रही हैं उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी वो भी चेंज हो जाएगी, ठीक है। लेकिन जो मास ऑफ पार्टिकल था वो आपका एटॉमिक मास जो था उसका सेम रहता है जो डिस्चार्ज ट्यूब में लिया गया है, ठीक है। तो ये थी बेटा डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। हाइड्रोजन के केस में लेंगे तो बेटा ये आपका पॉजिटिव चार्ज, सिर्फ क्योंकि हाइड्रोजन की बात करें तो 1H1 होता है, 1H1, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितना है आपका 1, वो ऑलरेडी इधर जा चुका है, बचा क्या आपका, ठीक है, नन। आप देखो अब न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, ठीक है, जेम्स चैडविक को ऐसा क्या लगा। देखिए बेटा इसके लिए पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।